हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में गला बनाना सीखेंगे। तो ये मैंने कटिंग कर ली है सूट की और ये गले के लिए कपड़ा लिया है। ये कपड़ा यहाँ पर मैंने फ्यूज पेपर लगा के इसको रेडी कर लिया है। यहाँ पर फ्यूज पेपर लगाएंगे तो थोड़ा हमारा अच्छी फिनिशिंग में बनेगा। इस तरह भी हम बना सकते हैं बिना फ्यूज पेपर के। ये लेना है मेजरमेंट में 12 इंच लिया है यहाँ से, और यहाँ से भी 12 इंच है, 12 बाई 12 इंच का ये पीस है। इस पीस को हमें इस तरह से रखना है। सबसे पहले हमें इस पीस को यहाँ से और यहाँ से सिल लेना है। इस तरह कपड़े को फोल्ड करके सिल लेना है। इस तरह सिल दिया है यहाँ से। अब इसे हमें इस तरह से रखना है, ऐसे रख लेंगे बराबर करके। तो यहाँ पर पहले हमें गला ड्रॉ करना है। तो इस तरह से रखा है फैब्रिक। अब यहाँ से जितना भी आप लेना चाहते हैं उतना ले सकते हैं। यहाँ पर मैं 3 इंच ले रही हूँ और यहाँ से हमें 1 इंच रखना है। इस तरह से ये मार्किंग ऐसे कर लेनी है। इसके बाद देखिए, यहाँ से जितना भी आपको डीप रखना है उतना आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 7 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब यहाँ से देखिए, थोड़ा सा हमें लेना है यहाँ से, इस तरह से यहाँ तक लाइन लगानी है और इसको हमें इस तरह खोलना है। ये मार्किंग भी ऐसे कर लेनी है, इस तरह फोल्ड करके, तो पूरा हमारा इस तरह बराबर आ जाएगी। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लाइट में है, इसे हमें इस तरह डार्क कर लेना है। और यहाँ पर ये लाइन लगाई है, ये सेंटर की है। इसी तरह थोड़ा आगे को करके यहाँ भी दोनों को ऐसे मिलाएंगे, इस तरह से लाइन लगा लेनी है। गला मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है, पूरी मार्किंग हो गई है। ये पीस बन गया है। अब इसे हमें अपने कुर्ती पे या जो भी हमारा ड्रेस है उसके ऊपर लगाना है। तो ये हमारी है उल्टी साइड, इसे हमें सीधी साइड में लगाना है। यहां से ये सेंटर लाइन है, यहाँ पर इस तरह ड्रॉ कर लेंगे तो हमें सेंटर का पता रहेगा। और ये फैब्रिक है, इसे इस तरह ऐसे, ये सेंटर लाइन है, यहाँ पर बराबर करके ऐसे रखना है। कपड़ा यहाँ पर सेट हो गया है। अब सिलाई लगानी है, तो यहाँ पर हम पिन भी लगा सकते हैं। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो इसी तरह हम इसको सिल भी सकते हैं। तो पिन लगा के सेट हो जाएगा कपड़ा। यहाँ पर कपड़ा सेट हो गया है, अब यहाँ से हमारी सिलाई लगेगी। सिलाई लगाने के बाद यहाँ से कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर कट्स लगा लेंगे, यहाँ भी इस तरह से थोड़ा कट्स लगा लेने हैं। अब इसे हमें इस तरह से सीधा कर लेना है। ये कॉर्नर्स हैं, यहाँ से भी हम कट लगा सकते हैं। सिलाई नहीं काटना, सिलाई के पास से काटना है, तो कॉर्नर हमारे अच्छे से बैठेंगे। ये भी इस तरह कट कर लेंगे और इसे हमें सीधा करना है। अब देखिए, कपड़े को मैंने यहाँ पर पलट दिया है। यहाँ किनारे से अच्छे से हमें यहाँ पर प्रेस कर लेनी है, जो किनारे हैं एकदम हमारे बैठ जाएं। इसके बाद अगर यहाँ से सिलाई लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, इस तरह भी रख सकते हैं। तो ये उल्टी साइड है, अब इसे हमें सीधा करना है। अब देखिए, ये सीधी साइड होगी। अब आप सोचेंगे इसका तो कुछ डिजाइन ही नहीं बना, सीधा ऐसे ही दिख रहा है, तो इसका बहुत ही सुंदर डिजाइन बनेगा। तो इसका हम एक मैजिक करेंगे। ये कॉर्नर है, इसको हमें इस तरह उठाना है, इस तरह से जितना भी हमारा नॉर्मल इतना होता है, यहाँ पर ऐसे प्रेस कर लेनी है। इससे क्या, यहाँ पर ये सेट हो जाएगा। और ये दूसरी साइड है, यहाँ भी इसी तरह हमें ऐसे टर्न करना है इसे, और यहाँ पर भी प्रेस कर देनी है। पूरा डिजाइन हमारा इस तरह से आया है, यहाँ पर ये दिखेगा। और इसके बाद ये कॉर्नर्स हैं, यहाँ पर हमें बटन लगा देने हैं। जब बटन नहीं चाहते तो इस तरह भी हम सिल सकते हैं, यहाँ पर स्टिच लगा के, और ये बटन लगा के और हमारा थोड़ा डेकोरेटिव बन जाएगा। तो इस तरह से आप कोई फैंसी बटन लगा के इस तरह से इसे अपने गले को फैंसी लुक दे सकते हैं। इस तरह से पूरा गला बन के रेडी हो गया है। बहुत ही आसान है इस गले को बनाना। फ्रेंड्स, देखिए हमारा फैंसी गला बन के रेडी है। ये डिजाइन आपको कैसा लगा? डिजाइन अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी तरह के नए वीडियो के साथ।